सफाई कर्मचारियों ने अपनी वेतन वृद्धि और परमानेंट किए जाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इसका समर्थन किया। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि सफाई कामगारों द्वारा किए जा रहे मुख्यमंत्री निवास घेराव का मैं समर्थन करता हूं। उन्होंने कहा कि मेरे शासन काल के बाद आज तक सफाई कामगारों को नियमित नहीं किया गया है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि तकनीकी युग होने के बावजूद सीवेज की सफाई के लिए सफाई कामगारों को टैंक में घुसाया जाता है, जिससे कई सफाई कर्मियों की मौत हो चुकी है। इसलिए रोबोट के जरिए साफ सफाई होना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि ठेका प्रथा का कांग्रेस विरोध करती है, लेकिन बीजेपी इसे लागू करना चाहती है। पूरे तरीके से उनकी मांगों का समर्थन कर और याद दिलाना चाहता हूं कि मेरे कार्यकाल में जितने लोग टेम्पररी लगे हुए थे उनको सबको परमानेंट हमने किया था। उसके बाद से आज तक किसी भी नगर निगम नगर पालिका में जो लोग काम कर रहे हैं सफाई कामगार, उनको किसी को नियमित नहीं किया गया है, नंबर एक। नंबर दो, आज के तकनीक के युग में हमारे सफाई कामगारों को सीवेज लाइन की साफ करने के लिए पॉटहोल में घुसाया जाता है, जिसमें कई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं, कई लोगों की उसमें जान चली गई। इसलिए आज रोबो का ज़माना है, रोबो के माध्यम से सफाई होना चाहिए और उसके लिए सरकार को विशेष तौर पर बजट का प्रावधान करना चाहिए। इनकी बाकी जितनी भी मांगे हैं मैं उनका समर्थन करता हूं। मुझे मालूम पड़ा है कि ठेकेदारी प्रथा शुरू हो गई है। जो ठेका लेने वाला आने वाला है उसको भी इसी वर्ग से होना चाहिए, नहीं तो बाहर का आदमी नहीं होना चाहिए, नहीं तो होगा कि दूसरे लोग जाति के लोग उसमें ठेका लेंगे और इन सफाई कामगारों का शोषण करेंगे। इसलिए ये जितने भी अस्पताल हैं, नगर पालिका निगम है, पहले तो हम इसके ठेके प्रथा के खिलाफ हैं। यदि उनको ठेका प्रथा लागू ही करना है, अगर उनकी भाजपा की जैसी नीति होती है, वो ठेकेदारों से ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं क्योंकि वहाँ उनको कमीशन भी मिल जाता है। इसलिए हम उसके विरोधी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार ठेका प्रथा लागू करना चाहती है तो ठेके में भी इसमें आरक्षण होना चाहिए और केवल सफाई कामगार को और वाल्मीकि समाज के लोगों को ही ठेका देना चाहिए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।